नमस्कार, निधिगर कलाकृति में आपका स्वागत है। आज हम सबकी पसंदीदा मैगी से बनाएंगे हम मैगी रोस्टिज़ा। ये आपको 3-in-1 स्वाद देगी, मैगी का भी, रोस्टी का भी और पिज्ज़ा का भी। तो चलिए मेरे साथ बनाइए मैगी रोस्टिज़ा। इसका मेन हीरो है आलू और मैगी। इसके लिए आपको चाहिए आलू, मैगी, सब्जियां आपकी पसंद की कटी हुई, बटर, मैगी मैजिक मसाला, केचप, मोज़रेला, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। सब्जियों को बारीक चॉप कर लीजिए, आलू को कच्चा ही ग्रेट कर लीजिए और मैगी को उबाल लीजिए। यहाँ आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है और अब हम इसको स्क्वीज करके यानी निचोड़ के इसका सारा स्टार्च निकाल देंगे। ये जो स्टार्च निकला है इसको आप वेस्ट ना करें, इसको अपने चेहरे के काले धब्बों के ऊपर लगाइए। अब इस जो ग्रेटेड आलू है इसको मैं पानी में धोकर एक बार और निचोड़ के इसका बाकी बचा हुआ स्टार्च भी निकाल दे रही हूँ। ऐसा करने से आपकी रोस्टी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और एक गिल्ट जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च खाने का है आप उससे भी फ्री हो जाएंगे। अब हम ये कसा हुआ आलू, मैगी और हमारी जो भी सब्जियां हमने ली हैं उन्हें हम आपस में मिक्स कर देंगे। इनको एक सब बोल में डालिए और मिक्स कर दीजिए। मैंने यहाँ पर जुकिनी, बेल पेपर्स, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियंस, बीन्स, लेट्स, कैबेज ये लिया है। आप इसमें कॉर्न डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो। अब इसमें डालेंगे हम मैगी मैजिक मसाला। क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है मैं इसमें 2 पैकेट्स डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इस सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे मसाला, मैगी और आलू और सब्जियाँ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। एक पैन पर 1 चम्मच बटर डालिए। जब बटर मेल्ट हो जाए तब आप ये मिक्सचर हाथ या पेडल की सहायता से उसके ऊपर डाल दीजिए। इसको हमें सर्कुलर शेप में डालना है जैसे हम चीला या पैनकेक डालते हैं। अपने गैस की फ्लेम मध्यम रखिए और इसे सिकने दीजिए। मीडियम हीट पर करीब इसको 7-8 मिनट लगेंगे एक तरफ से सिकने में और ये आराम से सतह को छोड़ देगा। जब आप इसे शेक करेंगे तो एक कुरकुरी सी आवाज आपको महसूस होगी, तब समझिए कि ये एक तरफ से सिक गया है। अब इसे टॉस करके दूसरी तरफ से सेकिए। अभी भी हम गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब मैं इसके ऊपर सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। आप हॉट एंड स्वीट सॉस ले सकते हैं, आप पास्ता सॉस ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ग्रेटेड मोज़रेला डालेंगे। इसकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। उससे पहले आप इसको एक ढक्कन से ढक दीजिए करीब 2 मिनट के लिए और फिर इस पे चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो स्प्रिंकल कीजिए और आपका मैगी रोस्टिज़ा तैयार है। इसको आप किसी भी डिप के साथ सर्व कीजिए और गर्मा गर्म खाइए और खिलाइए और जुड़े रहें निधिगर कलाकृति के साथ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thank you.